इस वीडियो में हम रेफरेंसेस और बाइबलोग्राफी के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। आमतौर पर इन दोनों टर्म्स को एक ही समझा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। रेफरेंसेस और बाइबलोग्राफी में डिफरेंस होता है, तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि रिसर्च में रेफरेंसेस क्या होते हैं, बाइबलोग्राफी क्या होती है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए हमेशा लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जितना भी कंटेंट पहले पब्लिश हो चुका है उस कंटेंट को स्टडी किया जाता है। जिस भी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, जितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं या मैगजीन्स में जितने आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं या न्यूज़पेपर्स में जितने आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं या डिफरेंट वेबसाइट से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हैं, रिसर्च पेपर्स को स्टडी करते हैं, मैगजीन्स को स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर्स को स्टडी करते हैं, बुक्स को स्टडी करते हैं, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ये जितने सोर्सेज हमने स्टडी किए हैं इनमें से कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी हम साइटेशन देते हैं और कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी हम साइटेशन नहीं देते। उन सोर्सेज को हमने इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी किया होता है या उस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उन सोर्सेज को कंसल्ट किया होता है। तो यहाँ पे रिसर्च में हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हमने स्टडी किया और उनकी साइटेशन दी हमने अपने रिसर्च के अंदर। दूसरे सोर्सेज वो होते हैं जिनको हमने इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी किया या जिनको हमने कंसल्ट किया और उनकी साइटेशन नहीं दी हमने अपने रिसर्च वर्क के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। इन्हीं की बेस पे रेफरेंसेज और बाइबलोग्राफी में डिफरेंस होता है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि रेफरेंसेज क्या होते हैं और बाइबलोग्राफी क्या होती है। रेफरेंसेज, इट इज़ अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट आर साइटेड इन योर रिसर्च वर्क। रेफरेंसेज का मतलब ये है कि जिन सोर्सेज की हमने साइटेशन दी है अपने रिसर्च वर्क के अंदर, उन सोर्सेज को लिस्ट डाउन करना, उन सोर्सेज की एक डिटेल्ड लिस्ट बनाना, इसको कहते हैं रेफरेंसेज। APA साइटेशन स्टाइल्स के अंदर रेफरेंसेज को यूज किया जाता है। व्हाट इज बाइबलोग्राफी? इट इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सोर्सेज कंसल्टेड व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च इंक्लूडिंग द सोर्सेज दैट आर साइटेड एंड दैट आर नॉट साइटेड। बाइबलोग्राफी का मतलब यह है कि रिसर्च करते हुए हमने जितने भी सोर्सेज को कंसल्ट किया है उनमें से कुछ सोर्सेज की हमने साइटेशन दी और कुछ ऐसे सोर्सेज थे जिनकी हमने साइटेशन नहीं दी। तो बाइबलोग्राफी के अंदर हम सारे के सारे सोर्सेज को लिखते हैं जिनकी हमने साइटेशन दी या जिन सोर्सेज की हमने साइटेशन नहीं दी। रेफरेंसेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन सोर्सेज को लिखते हैं जिनकी हमने साइटेशन दी है, जबकि बाइबलोग्राफी के अंदर हम सारे सोर्सेज को लिखते हैं, ऐसे सोर्सेज जिनको हमने इंफॉर्मेशन के लिए कंसल्ट किया है लेकिन हमने उनकी साइटेशन नहीं दी। बाइबलोग्राफी के अंदर हम उन सोर्सेज को भी लिखते हैं। अब हम रेफरेंसेज की एग्जांपल को स्टडी करते हैं और बाइबलोग्राफी की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है लिटरेचर रिव्यू का। अब लिटरेचर रिव्यू के इस पैराग्राफ के अंदर दो साइटेशंस है, एक ये वाली साइटेशन है और दूसरी ये वाली साइटेशन है। तो जब हम रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे ना तो सिर्फ इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा किसी भी सोर्स को हम रेफरेंसेज लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाइबलोग्राफी की। ये हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का एक पैराग्राफ है, इसके अंदर भी दो साइटेशन यूज हुई है, एक ये वाली साइटेशन और एक ये वाली साइटेशन। अब हम अगर बाइबलोग्राफी के अंदर लिस्ट ऑफ सोर्सेज को देखें ना तो यहाँ पे तीन सोर्सेज लिखे गए हैं। अब ये वाला सोर्स यूज हुआ है लिटरेचर रिव्यू के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसकी साइटेशन है, और ये वाला सोर्स भी यूज हुआ है लिटरेचर रिव्यू के अंदर, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे साइटेशन है। लेकिन ये जो हमारे पास एक तीसरा सोर्स है ना, ये यहाँ पे यूज नहीं हुआ लिटरेचर रिव्यू के अंदर, लेकिन ये वो सोर्स है जिसको स्टडी किया गया है इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हुए। तो जब भी हम बाइबलोग्राफी की लिस्ट बनाते हैं ना तो इसके अंदर हम सारे के सारे सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं जिनकी हम साइटेशन देते हैं या जिनकी साइटेशन हम नहीं देते। बाइबलोग्राफी को आमतौर पर जो शिकागो और तुरेबियन साइटेशन स्टाइल है ना उनमें यूज़ किया जाता है, जबकि जो रेफरेंसेज होते हैं ना उनको APA साइटेशन स्टाइल में यूज़ किया जाता है। बाइबलोग्राफी की लिस्ट बहुत लंबी होती है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सोर्सेज को लिखा जाता है, लेकिन जो रेफरेंसेज की लिस्ट होती है ना वो बाइबलोग्राफी के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है, क्योंकि रेफरेंसेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन सोर्सेज को लिखते हैं जिनकी हम साइटेशन देते हैं। इसलिए जो रेफरेंसेज लिस्ट होती है ना वो शॉर्ट होती है, लेकिन जो बाइबलोग्राफी की लिस्ट होती है ना वो बहुत लंबी होती है।